सो अब सबूर वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम विद यू, ठीक है? सो आपको कुछ नाम दे दिए मेरी टीम ने, आपने ये नाम मुझे गेस कराने, आप एक्टिंग कर सकती हैं या आप मुझे हिंट्स दे सकती हैं. तो मैं आपको पहला हिंट देती हूँ. लड़का है, लड़की है, चीज़ है, शहर है, क्या है? लड़का है. लड़का है. ओके, मार दें. ओके, बड़ा आजकल छाए हुए हैं. छाए हुए हैं. ओके, बहुत से लोग छाए हुए हैं, लेकिन मेरे लिए तो घर में भी छाए हुए हैं और बाहर. दिस वाज इजी. आई थॉट टीम ने मुश्किल दी होगी. अच्छा, अब अब आप गेस करें ना. लड़की. लड़की है. ड्रामों में बहुत रोती भी है और रुलाती भी है. रोती भी है, रुलाती भी है. वो तो अच्छा रोती है. और मुझे भी रुला देती है कभी कभार घर में. सजल. घर में ये अच्छा हिंट था. ये दो तो लोग घर वाले घर वाले थे. बहुत आसान है यार ये तो. चलो, गुड फॉर मी. हाँ. अच्छा अच्छा. अभी फिल्म आई है. अच्छा, इनकी लड़का है लड़की है? लड़की. लड़की है. सो कोई हीरोइन है, कोई एक्ट्रेस है जिनकी फिल्म आई है अभी? तो तीन फिल्में आई हैं अभी. और कोई और बताओ उनमें तीनों में. जो ठुमका बहुत अच्छा लगाती है. ठुमका बहुत अच्छा लगा. बिल्लो. ओ, हरीम. हरीम राइट. बिल्लो तो हरीम का ही गाना है. बिल्लो ठुमका लगा. बिल्कुल. वैसे ठुमके पे मैं थोड़ा सा नूरी सॉन्ग मायरा पे कंफ्यूज हुई थी. बट यू सेड बिल्लो बहुत अच्छा किया. हां, वो वही. मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई बिकॉज़ ठुमका उनका जो है ना वो उस्मान खालिद भट्ट के साथ. सही है, सही है. तो सच्ची बात बोल रहे हैं. अच्छा, अपनी लास्ट नेम में मैं कोशिश करूंगी आप ना गेस कर पाए. लेकिन ये नाम कौन नहीं गेस कर सकता. हर एक्ट्रेस के दिल पे छाए हुए. राज सबको पसंद आते हैं. या वो तो आज भी सबको पसंद आता है. नहीं, लेकिन अभी तो अभी नए हैं ना. ये नए हैं, ये पुराने हैं ये सब. हाँ, शुरू से राज किया है इन्होंने हर लड़की के दिल पर. अदनान सिद्दीकी. नहीं, उन्होंने भी किया है लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता वरना मैं नाम लेती गलत नाम लेती. नुमान इजाज़ अभी तक वो हीरो ही है. ओ, हुमायूं सईद. ठीक है. नाइस. अच्छा, ओके, ये बहुत इजी था. तो मुश्किल दे. ओके, एक और गेम है ना. मैं कुछ पंजाबी और उर्दू के मुहावरे हैं, ठीक है? आर यू गुड विद देम? यू नो मुहावरे काफ़ी पता है आपको. मैं आपको इंग्लिश बताऊंगी, आपने करना है मेरे इंग्लिश सुन के कि ये कौन सा मुहावरा है. ओके, ठीक है? तो ये टूटी फूटी इंग्लिश में मैं आपको बताऊंगी कि क्या है. सही है. आपने उससे गेस करना है या ट्रांसलेट करना है, लिटरल ट्रांसलेट करना है कि भी यू कैन गेस. स्टार्ट. ओके, द फर्स्ट वन इज, सॉरी मुझे याद नहीं है तो मैं देख के बात कर रही हूँ. फार इज ड्रम ब्यूटिफुल. फार दूर के ढोल सुहाने. वाओ, गुड. आई डिडंट नो. आई वाज लाइक ये थोड़ा टाइम लगेगा बट नॉट बैड. मंकी व्हाट नोज द जिंजर टेस्ट. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. गॉड, शी इज गुड यार. हां, मैं समझी ना. थोड़ा सा तो टाइम लगेगा. बहुत बेसिक है फिर भी इंग्लिश से उसको गड़े लगते. मैंने मम्मा के मुंह से बहुत सुने मैंने सब. ओह अच्छा, बट यू आर गुड. सीरियसली, आई थॉट 2 मिनट लगेंगे. अच्छा, अब आई थिंक ये वाला शायद मुश्किल हो. नो फेस नो फोरहेड जिन केम डाउन माउंटेन. ना मुंह ना मत्था. आगे क्या था? Jin mountain came down. Jin mountain came down. Jin. Jin mountain came down. एक सेकंड में गेस करूंगी. गेस करूंगी. She's taken the challenge. ये तो मुझे पता ही. मैंने कहा सुना है ना. She's really good. कि क्या माउंटेन कहाँ से आ गया इसमें? बता दूँ तो नहीं था. हाँ बता दूँ. ना मुँह ना मत्था. हाँ. पहाड़. हाँ हाँ सही है. हाँ. जिन जिन क्या? जिन पहाड़ू लत्था. जिन पहाड़ू लत्था. अच्छा, मुझे ये बताओ, जब तुम लोग छोटे होते थे तो कभी तुमने और तुम्हारे छोटे भाई ने मिलके सजल पे कोई प्रैंक की, या वाज इट द अदर वे अराउंड, तुम और सजल मिलके भाई की कुट लगा? नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा, मैं वो घर में बच्ची थी जिसकी सब ना जिस जिस
का बस चलता था ना हाँ, वो उसको ही तंग करता था मिडिल चाइल्ड ना और हाँ वो हमेशा हाँ, पिसते ही हैं बेचारे पैदा ही हम क्यों होते हैं मुझे समझ नहीं आता लेकिन बड़े से कहते हैं बड़े से प्यार इसलिए हाँ, पहला है ना इसलिए हाँ, उससे ज्यादा प्यार करते हैं छोटे से सबसे छोटा है ना तो हाँ, हमारा क्या कसूर था तो ये होता था कि वो दोनों को क्योंकि मैं चिढ़ भी जाती हूँ जल्दी कि मुझे क्यों तंग कर रहे हो और सब तो वो दोनों हमेशा मुझे मिल के ना तंग ही करते हैं आज तक वो दोनों मिलके तंग करते थे तुम्हें आज तक और मैं अगर अली से भी कहती हूँ ना वो अक्सर सजल की चीजों की ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और ये और वो उसके साथ पिक्चर्स उसकी चीजें शेयर कर रहा होता है और मेरी इतनी नहीं तो मुझे तो मुझे तो इतना गुस्सा चढ़ता है फिर क्या करती हो कभी कभार रोती हूँ कभी कभार उनसे कहती हूँ शिकायत करती हूँ और फिर वो मुझे और चिढ़ाते हैं तो कोई किस्सा सुनाओ बचपन का जो उन दोनों ने तुम्हारे साथ कोई तुम्हें चिढ़ाया हो या कुछ किया हो तुम गुस्सा आया हो या कोई मज़े की शरारत कुछ सुनाओ मुझे चिढ़ाते थे क्योंकि मुझे लग उन लोगों को लगता है कि मैं ना अपने घर में लीस्ट टैलेंटेड हूँ ओके तो वो लोग क्योंकि वो मेरा भाई बहुत अच्छे गाने गाता है अच्छा ये भी मुझे चिढ़ाते हैं कि मम्मा बहुत अच्छा गाती थी भाई बहुत अच्छा गाता है सजल बहुत अच्छा गाती है तो वो मेरे मुझे इस चीज़ पे बहुत तंग करते हैं हाँ। कि तुम्हें तो गाना नहीं आता हाँ। तुम्हारे तो अच्छा वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गोरे चिट्टे हैं और मैं ज़रा तो मेरी हर चीज़ पे ही होती है मुझे किसी चीज़ पे नहीं बख्शते तो क्या बुला दें तुम्हें रंग के ऊपर बता दो रंग पे फिर कहेंगे हाँ वो फिर मैं सबसे छोटी भी हूँ हाँ। फिर मेरी हाइट पे भी मजाक उड़ाएंगे हाँ। मेरा हर चीज पे वो उन लोगों को वो निकाल लेते हैं मेरी कोई चीज वो टिपिकल बहन भाई जो है ना बिल्कुल हालांकि दे डोंट मीन इट लेकिन वो बिल्कुल नहीं और कोई और अगर कुछ मुझे कहेगा तो सबसे ज्यादा हीरो की वो करेंगे लेकिन खुद नहीं छोड़ेंगे तो अभी यू वर सेइंग क्या अम्मी भी अच्छा गाती थी सजल भी गाती भाई बहुत अच्छा गाता है भाई बहुत अच्छा गाता है तो फिर घर में होता था कि बैठे हो एक दिन कोई ना कोई गुनगुना रहे कोई महफिल ऐसी जमती थी हाँ ऐसा होता था बल्कि मैं मम्मा मैं ये लोग गा रहे होते थे मैं कहती थी तुम लोग चुप करो मम्मा ज़्यादा अच्छा गाती हैं तो क्या गाना गाती थी सबसे ज़्यादा वो कोई एक गाना जो बहुत गुनगुनाती हूँ लज्जा गले बहुत गाती थी और कोई एक उनका गाना वो था कोई मुनी नदीम और शबनम बहुत पसंद थे नदीम सर शबनम और ऐसे वो बताती थी तो वो एक और वो गाना गाती थी जो आज अब मैं बहुत याद करती हूँ कि यार वो गाना गाती थी वो कोई गाना था अकेलेपन में बहुत घबराओगे जब हम नहीं होंगे और पता नहीं इसी तरह का तो वो उसके लिरिक्स सोचती हूँ वो याद नहीं है जब भी जब हम नहीं होंगे इस तरह करके कोई तो वो अब मुझे याद आता है रिकॉल करती हूँ कि यार वो एग्जैक्ट लिरिक्स और वो कितने अपसोट करते हैं कि वाकई में घबराते हैं हम और बहुत चीज़ों से पछताते हैं और वो नहीं है वो कहती थी कि जब मैं नहीं होंगी ना तो तुम लोगों को पता चलेगा तो कोई ये गाना तो जो सब मिलके गाते हो फैमिली सॉन्ग सभी अपने आप में वैसे ना अपना अपना गुनगुनाते हैं मेरा भाई को मैं कहती हूँ मैं चाहती हूँ कि वो अच्छा भाई क्यों नहीं आया एक्टिंग की तरफ या भाई मेरे सवालों में एक सवाल था कि आर वी गोइंग टू सी हिम अभी तो वो पढ़ रहा है और मैं चाहती हूँ कि अभी तो वो पढ़े और सजल क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ओके तो वो तो अभी नहीं कहती है कि अभी नहीं मुझे है कि वो सिंगिंग की तरफ आए और मैं ज़रूर उसके लिए इस चीज़ में कुछ ना कुछ तो ये सोचती हूँ दोनों का बोलता है हाँ तो मैं चाहती हूँ वो करे सो पॉसिबिलिटी है कि हम उसको कभी देखें अभी नहीं बट कुछ अरसे में लेकिन वो जब भी आएगा तो मुझे पता है कि वो हमसे ज़्यादा अपना अच्छा नाम बनाएगा इंशाल्लाह सजल और अहद की शादी हम नहीं पूछ रहे कि कब होगी लेकिन जल्दी होगी बहुत जल्द मुझे पूछता है कि क्या तैयारियां हो रही हैं तुम्हारे जहन में तुमने कपड़े सोचे हैं कुछ क्या पहनोगी कपड़े इतने सारे दिमाग में हैं सोचती हूँ अब इतने इवेंट्स नहीं है कपड़े इतने दिमाग में आ गए हैं लेकिन जाहिर सी बात है जब आप दुल्हन की बहन होते हो तो आपको होता है आप जानो एक्साइटेड कि ओ मैं चार्ज लूंगी मैं तो ये करूंगी यू नो लाइक मुझे पता है कि मेरे करनी है गाने करने हैं मुझे पता है ये काम मेरे ऊपर और आंटी के ऊपर ही है हम लोगों ने तो अब मैं यही सजल से पूछती थी कि अभी चीजें करनी है जल्द तो नहीं मुझे पूछो तुम क्या पहनोगी मैं ऑफ ले लूंगी मैं कोई ड्रामा साइन नहीं करूंगी एक महीने पहले से तुम खुद डिजाइन करोगी या किसी से जाके लोगी कपड़े
मैं खुद डिजाइन करूंगी, कुछ कलर किसी से नहीं लेने हैं, कुछ नहीं, कुछ तो होगा दिमाग में। लड़कियां तो इतने अर्से पहले से लाइक शुरू कर देती है, वो कजन की शादी है, बहन की शादी, मैंने इस तरह का लहंगा, इस तरह का कुछ पहना, कुछ तो होगा क्या? मुझे लगता है मुझे सब कुछ ऐसा करना है शादी पे, ऐसे कलर्स पहनने, ऐसे कपड़े पहने जिसमें लाइफ नजर आए। ओके, सो वी विल बी सीइंग यू इन डार्क कलर्स देन, डार्क ब्राइट कलर्स। ओके, ट्रेडिशनल या फ्यूजन होगा? रेड, मुझे ट्रेडिशनल पसंद है, और शादी जब हो तो फिर तो मुझे लगता है ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल और पुराने जमाने टाइप वाली चीजें।